हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है एक्सपल्स की प्रो, बिल्कुल ये 200 सीसी की एक प्रो बाइक है, एक प्योर रैली बाइक यहाँ पे आपको दिखाई देगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं इसके सामने खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। एक टॉल बाइक जिसको चाहिए होती है उसके लिए ये बाइक डेफिनेटली जो है काम आने वाली है, क्योंकि आप देखिए मेरे सामने, मेरे चेस्ट के आसपास जो है इसका जो है ये आ रहा है, हैंडल बार्स आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आती है। तो ये एक कम्प्लीटली प्रो बाइक हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि हीरो की तरफ से आती है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्यों आपको लेनी चाहिए, और इसका जो बेस वेरिएंट आता है उसमें इसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस बाइक के डिज़ाइन को देखिए, ये डिज़ाइन में कितनी अच्छी है, इसका मेन जो है कलर ग्राफिक्स जो है उसको कितना बेहतर बनाया गया है। तो इवन इसका सॉकर्स जो है वो काफ़ी लंबे लगेंगे, इसके इंजन की जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से कवरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये बाइक एकदम प्रो लेवल की सच में हो जाती है। अगर कहीं भी आप इसको पार करते हैं किसी भी बाइक के बगल में, तो उस समय आपको दिखाई देता है कि ये बाइक तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट, सही में अल्टीमेट बाइक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आइए इसके सामने देखते हैं कि ये बाइक जो है वो कैसी है। तो सबसे पहले जब हम इसके ओवरऑल इंजन को देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमें इंजन दिखाई देता है, ये एक 4 वाल्व इंजन है। नॉर्मल हमें एक 2 वाल्व इंजन पहले मिला करता था एक्सपल्स 200 में, लेकिन जब ये अपडेट हुई एक साल पहले लगभग, तो हमें 4 वाल्व के हिसाब से मिलने लगा। तो ये इंजन अब 18.9 PS का पावर जनरेट करती है, 17.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ है। इवन इसमें जो आपको मिल जाता है वो एक वॉइल कूलर मिल जाता है, जो कि पहले से इसका जो इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब जो एक साल पहले ही इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी 2 वाल्व आती थी, यानी कि पहले की जो एक्सपल्स आती थी, उससे इसका वॉइल कूलर जो है, इसको कहते हैं, जिसमें हवा जोर से जब तेज स्पीड में जब टकराती है उस समय जो है इंजन ऑयल आपका कूल होता है, जिससे आपका ओवरऑल इंजन भी कूल होता है। और ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, मतलब इंजन ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, वो आपको एक चीज़ समझ रहे होंगे। और एक हीरो का भरोसा भी यहाँ पे होता है कि हीरो के इंजन मतलब चलती हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे। उसके अलावा जो हम इस बाइक का जो हैंडल देखेंगे, हैंडल बार्स को देखेंगे, आगे के पोजिशन को देखेंगे, तो मैं आपका इसका हेडलैम्प जो है वो एक बार चेकआउट कराता हूँ यहाँ पर। तो जो हेडलैम्प की लाइट्स है वो आपको यहाँ पर कम्प्लीट LED देखने को मिलेगी। तो हाई बीम, लो बीम, तो हाई बीम यहाँ पर LED में मिलता है, और नीचे जो है वो प्रोजेक्टर LED यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और साइड में जो है, अगर मैं इस बाइक को बंद कर देता हूँ इनकेस, तो साइड वाली जो ये दोनों लाइट्स है वो सिर्फ आपके की को ऑन करने से जो है वो ऑन हो जाती है, और नीचे वाले जो प्रोजेक्टर्स हैं उसको भी आप स्विच से बंद कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बाइक दिन में अगर आप चलाते हैं तो ये दोनों बाइक्स आपकी लाइट्स जो है आपको दिखाई देगी लगातार। अब जो आगे वाला सॉकर है इसकी बात करें तो ये आपको 250 mm की लॉन्ग आती है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो वो तो उसका थोड़ा हाइट कम है, उसका डायमीटर थोड़ा मतलब 37 ही है, लेकिन जो मेन हाइट है ये चीज़ जो है वो आपको काफ़ी अंतर मिलेगी। इवन ये ब्लैक फिनिशिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उसमें आप जाइएगा तो वहाँ पे सिल्वर जैसा वहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रेक प्लेट्स ABS सेम है। ABS में यहाँ पे खास क्या है, ABS यहाँ पे 3 सेंसिंग मोड्स, मतलब 3 तरह से जो है वो एडजस्ट होगी एज़ पर योर यूज़, मतलब जैसे आप चला रहे हैं, जिस रोड पर चला रहे हैं उसके अनुसार जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। नॉर्मल ABS के मुकाबले जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 21 मतलब बहुत लंबी एक टायर हो जाती है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे रैली वाले टायर्स जो है वो ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छे इसके ग्रिप्स होते हैं, काफ़ी अच्छी जो है वो क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन की जाती है। और यहाँ पे जो मडगार्ड है इसको आप खोल सकते हैं, तो काफ़ी सही पोजीशन के अनुसार आप यहाँ पे दिए देख रहे हैं कि इसको जो खोलने का दिया गया है, तो कोई भी एक छोटे से जो है रिंच रख के यहाँ पे आराम से इसको खोल सकता है। इंजन में आपको यहाँ पे किक स्टार्ट भी ऑफर कर दिया जाता है, इनकेस कि कुछ मतलब आपको ज़रूरत पड़े तो उसमें आप किक स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पीछे आ जाते हैं हम, तो पीछे आपको 120 mm के जो है वो आपको यहाँ पे टायर मिल जाते हैं, 18 इंचेस के हैं, 18 इंच, 120 एवन जो टायर्स हैं वो आपको कंप्लीट ऑफ रोड वाले यहाँ पे एक मिलते हैं देखने को। और जो मेरा साइलेंसर है, मतलब ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है, कहीं भी ले जाओ इस साइलेंसर को, डेफिनेटली जो है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। इवन जो मेन इसका बेसिक वेरियंट है उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है उसके मुकाबले, और इसके मुकाबले ये बहुत ऊपर जो है वो दिखाई देता है आपको। तो अब बात आ जाती है कि ये बाइक स्किन के लिए है, तो सबसे जो सब बेस्ट हमको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि इस बाइक का हाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ, वैसे मेरे हाइट 5.6 ही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बैठ के ये दिखाता हूँ कैसा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप देखिए कि मैं मतलब इसको चला सकता हूँ नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा टिप टॉप करके चलाना पड़ेगा, तो वो वाली बात आ जाती है। कुछ अपग्रेड्स और है इस बाइक के जो मैं आपको बताऊं, तो जो मैं आपको एक मतलब पार्ट वाइज दिखा के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो हैंडल राइजर्स हैं
ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि बेसिक वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, तो वो यहीं पे वो फिट हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पे इतने राइज की जाती है जिसका हैंडल और ऊपर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है, मतलब ये तो बेसिक में भी मिलता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और जब हम इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन अभी आप देख सकते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर कि किस गियर में है, बाकी टैकोमीटर और स्पीडोमीटर सब तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, E20 यानी कि BS OBD2 से इनेबल्ड है। बाइक का जो सीट मटेरियल है उसमें आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सॉफ्ट है, इवन ये थोड़ा सा अलग है, इसमें स्टिचिंग्स ज़्यादा की गई हैं, इसकी सिलाई ज़्यादा की गई है, उसी हिसाब से इसको डेवलप यहाँ पे किया गया है। अब हम धीरे धीरे इसके पीछे टेल लैंप्स को देखेंगे, तो उसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ बनाया है, तो मतलब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है कि टेल लैंप्स का डिज़ाइन भी काफ़ी यहाँ सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। नीचे आप देख सकते हैं जो मेरा नंबर प्लेट होगा उस पर भी यहाँ पे दिखाई दे देंगे। इधर हम देखें तो इसका जो मेन स्विंग आर्म है वो सारी चीज़ें इस तरह से क्वालिटी वाइज बनाई गई है। यहाँ पे एक छोटा कवर लगाया गया है, कुछ ऐसा कवर नहीं लगाया गया है जिसमें मड जो है वो फंसे, यानी मिट्टी जो है फंसे और टायर को इंटरप्ट करे चलने में, यानी प्रॉब्लम करे, परेशानी करे। बाकी चैन की क्वालिटी, इवन चैन स्पॉकेट जो है यहाँ पे चेंज किया गया है, क्योंकि ये डेफिनेटली दूसरी बाइक है, थोड़ी सी इसकी लंबाई उम्बाई सब ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा चेंज आ जाता है यहाँ पे। और इधर हम देखें तो जो मेन इसका गियर लीवर है, ये वाला चीज़ जो है वो बड़ा मिलता है, जो नॉर्मल वाला वेरियंट है उससे ये बड़ा मिलता है। 5 गियर्स आते हैं इसमें, 1 डाउन और 5-4 फॉरवर्ड जो है आते हैं, तो ये काफ़ी है। और अभी मैं इस ट्रैक पे चला भी रहा था तो मुझे लगा कि इसका जो ओवरऑल गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं, इसका क्वालिटी देख सकते हैं कैसा देखने में लग रहा है। चलिए अब एक बात और मैं आपको इस बाइक के बारे में बताता हूँ कि अगर आप एक प्योर रैली ट्रैक जो है बाइक चाहिए उस हिसाब से इसको देखें तो बिल्कुल एक परफेक्ट बनाई गई है। इस प्राइस रेंज, इतने कम प्राइस में इस तरह की एक, मतलब एक फ़न टू राइड, एक ऐसा राइड जिसको लोग बाइक जो है वो पसंद करते हैं, एक ऐसी राइडिंग आपको प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ें बहुत कम कंपनीज दे पाती हैं। अगर आप किसी और कंपनी में जाएगा तो आपकी प्राइस सेगमेंट हाई हो जाएगी, या फिर कोई और कंपनी बोलती भी है कि एडवेंचर बाइक है लेकिन उसके ग्राउंड क्लियरेंस ये सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो आएगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा जो एक रैली, एक ऑफ रोड जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए उन बाइक्स में, जो कि इसमें मिलता है। एक लाइट वेट, एक मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लाइट वेट में, हाँ वेट में भी 2 kg का डिफरेंस आता है। ये 159 है, सॉरी ये 161 है, और अगर जो बेसिक वाला वेरिएंट लेते हैं तो 159 kg की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर योर राइडिंग स्टाइल, क्योंकि ये राइडिंग स्टाइल बहुत मैटर करती है, तो 40-45 के आसपास अगर आप अच्छे से चलाते हैं, आप एक्सट्रीम ऑफ रोड करते हैं तो आपको 35-40 के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर योर राइडिंग स्टाइल, राइडिंग कंडीशंस, कितने देर आप कहाँ चलाते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। वैसे पेट्रोल देखना इस बाइक के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 200 cc सेगमेंट की इंजन है तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल तो खाएगी नहीं आपका, 411 जैसे हिमालयन है ये सारी, तो पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीती है इसके कंपैरिजन में। तो ये था मेरा इसके बारे में। चलिए इसको ट्रैक वैक पे जो है चलाकर देखेंगे कि चलने में कैसी है, इवन इसको ऑन रोड भी चलाकर देखेंगे, इवन मेरे हाइट के साथ ये कितना ज़्यादा कंफर्ट मुझे फील करा रही है और राइडिंग कंफर्ट कितना अच्छा दे पाती है ऑफ रोड में, डंप एरियाज पे, ज़्यादा गड्ढों में, ज़्यादा अच्छे में कैसे मज़ा आ रहा है मुझे। तो चलिए गाइस, इस बाइक को अब चलाने का मौका आ गया है, तो हीरो की एक्सपल्स प्रो को मैंने यहाँ पर लिया है। काफ़ी ऊँची बाइक है, आप देख सकते हैं इसका गियर लीवर काफ़ी दूर है, तो चेंज वेंज गियर करने में मुझे सबसे मज़ा आता है जिसका गियर लीवर काफ़ी दूर होता है। तो चलिए इस बाइक को चलाते हैं इस रोड में और 0-60-70 टच करके देखते हैं। अब देखिए, मैं जब इस बाइक को होल्ड कर रहा हूँ एज अ 5.6 इंच, तो लंबी लग रही है मुझे वो, अगर मैं लूँगा तो वही वाला लूँगा जो बेस वेरियंट वाला है। चलिए अब इस पर बैठते हैं, तो बैठना कितना टफ है या कितना आसान है आप देखिए। ऐसा टिकटॉक करके आराम से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मतलब इतना दूर मैं लेके आया हूँ बाइक को अभी लगभग, तो दिक्कत नहीं है तभी लेके आया हूँ। चलिए इसको चलाते के देखते हैं। थर्ड गियर में 70, फोर्थ गियर में 82, फिफ्थ गियर में, मतलब मैं सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग ही कर रहा हूँ आप मान के चलिएगा, 100 से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं इस गाड़ी में, क्योंकि एक टॉल बॉय बाइक है तो ज़्यादा स्पीड का, और इसका जो मेन पर्पस है वो रैली के लिए है, तो रैली के हिसाब से ही इसको देखें हम, तो मेरे लिए तो मतलब सही रहेगा।
तो 100 लेकिन बहुत आसान से चल जाती है क्योंकि इसमें पावर फिगर्स जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। तो पहले से अगर अब का डिफरेंस आपको चाहिए लाइफ में तो पावर फिगर्स में आपको डिफरेंस मिलेंगे। 1 PS का पावर, 1 Nm का टॉर्क जो बढ़ा हुआ है लगभग, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है लेकिन चलिए वही मान के चलते हैं। तो उसका जो है प्रैक्टिकल लाइफ में सच में बहुत जो है अहमियत है, बहुत डिफरेंस पता चलता है। और फोर्ड वाल्व का जो है डिफरेंस वो भी पता चलता है। और इसके एरोगोनॉमिक्स में भी चेंज किया गया है, लाइक इसके फुटपैक्स को 10 से 15 mm तक जो नीचे किया गया है, तो आपका पैर जो है काफ़ी नीचे रहते हैं, तो आपके बट से पैर आपके नीचे होते हैं। कारण ये है कि एक टॉल बॉय बाइक है तो लगभग 6 फीट के लोग चलाएंगे, तो उनके कंफर्टेबल होने के अनुसार भी इस बाइक को बनाया गया है। और चलिए इस बाइक को अभी हम यहाँ पे यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेके देखते हैं कि बाइक जो है मुझे कितना कॉन्फिडेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ यू टर्न। तो एक बार हम पीछे देख लेते हैं क्योंकि अभी हम रैली में चला रहे थे तो इसमें साइड मिरर्स जो है अभी तत्काल फिट नहीं किए गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पर रोक दिया, अगर मेरे पीछे कोई बैठा होता तब मुझे थोड़ा सोचना पड़ता, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं लगी। चलिए अब उस रोड में चलते हैं और फिर से हम एक बार स्पीड को जो है चेक करेंगे अलग अलग गियर्स में, और गियर शिफ्टिंग भी चेक करेंगे कि गियर शिफ्टिंग कितना मिल पा रही है। तो ये टिकटॉक करने में है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता है। ये देखते हैं, इसका हर गियर में पावर है, एक चीज़ नोटिस करने बनता है, इसके हर गियर में पावर है, आप किसी भी गियर में हो आपको जैसे एक्सलेटर दीजिएगा तो गाड़ी जो है वो खींचने लगती है। ऐसे पहले 3 गियर में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 0 to 70 आप बहुत जल्दी जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि 85-90। तो चलिए, इस रोड का आइडिया नहीं है मेरे को, इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो भगाना पसंद भी नहीं कर रहा हूँ कि कब मुड़ जाएगी, कब रोड ब्रेकर आ जाएगा। तो जिन दिल्ली गुड़गांव की सड़कों का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड है ये। बाकी टॉल बॉय मतलब काफ़ी दिनों बाद चलाने पे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऊंचे बैठे हैं, बहुत ऊपर बैठे हैं, अच्छा सा लगता है बाइक रोड पे चलाने में। और बाइक जो है वो 50-60-70 जो है वो इजीली चल रही है, आप कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि गाड़ी इधर उधर भागेगी या नहीं भागेगी वो भी मिल रहा है। और हल्के हाथों से भी चला रहे हैं, जब भी मैं हल्का हाथों से चलाता हूँ तो मेरी एक आदत है कि बोलने के दौरान मैं हैंड का जो है वो इंडिकेशन करने लगता हूँ, हैंड से जो है बोली बोलने लगता हूँ, तो मेरा एक हाथ छूट ही जाता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि हाँ हल्के हाथों से ये बाइक जो है वो बड़े आसानी से चल रही है। और जो इसका प्राइस पॉइंट है उसके अनुसार 200 cc की बाइक जो है वो भी सही है। माइलेज के अनुसार बात करें तो माइलेज में रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है पुराने वाले के मुकाबले, तो इसमें आपको अभी मतलब अभी देखिए ये ABS का मोड है, तीनों ABS का मोड यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर अभी माइलेज वाला दिखाता हूँ, इको दिखाती है और यहाँ पे जैसे अभी 84 दिखा रही, तो 50-60-70 की स्पीड में आपको सही माइलेज दिखाती है कि आपको कितना माइलेज मिल जाएगा। ऐसे 40 से 45 के आसपास का आपको माइलेज इसमें मिला करता है। अब ये पीला हो गया मेरे ही आने पे। चलिए कोई नहीं, तो ये माइलेज मिला करता है। अब जब हम ट्रैफिक में रुके हैं तो देखिए मुझे थोड़ा सा अच्छे से इसको संभालना पड़ रहा है, लेकिन आप देखिए मैं कितने देर तक संभाल लेता हूँ। और जो डिफरेंस आपको एक्चुअली में महसूस होगा दोनों बाइक में, वो एक चीज़ लगता है कि अगर आपको बड़ा मतलब ज़्यादा शौक है कि आप ऑफ रोडिंग में ही जाना है, ऑफ रोड ओवरोड यूक्ली करना है, आपके पास एक्स्ट्रा बाइक्स भी है घर में, तो उस अनुसार आप रैली एडिशन पे जाइए। क्योंकि नॉर्मल रोड्स पे कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि हम लेडीज़ को टॉल बॉय बाइक पे बैठाए तो वो कहेगी बहुत ऊंचा बैठे हैं, तो उनको कभी ऐसा लग सकता है इन केस कि अनकम्फर्टेबल है और समथिंग लाइक डैट, तो वो सब चीज़ से भी आप यहाँ पे बच सकते हैं। तो अगर आपके पास तो नहीं, तो नॉर्मल वाला बाइक जो है वो बिल्कुल कम्फर्टेबल है और मुझे उसमें तो बहुत ही सही लगा वो। चलिए अब यहाँ पर एक बार और देखते हैं हम बाइक को। अब यहाँ पे देखिए टर्निंग है, बड़ा शार्प शार्प टर्निंग है, तो उस पर मैं बाइक को लगभग 60 के स्पीड में जो है वो टर्न करके दिखाता हूँ आपको। ओहो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा। और ठीक है, मतलब ज़्यादा तो झुकना यहाँ बनता नहीं है क्योंकि ऑफ रोड टायर्स लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है अच्छे खासा झुक लेते हैं हम। और मुझे कॉन्फिडेंस भी दे रही है, मतलब इतना मैं आ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मैं एक हाथ से भी इतना लीन हो सकता हूँ, मतलब रोड इतनी भी ख़राब नहीं है क्योंकि मेन हाईवे है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प राइट टर्न या लेफ्ट टर्न तो दिया भी नहीं जा सकता है।
तो सही चलती है। अगर आपको इस सेगमेंट में जाना है तो आप देख सकते हैं बाइक के। तो मैंने आपको ओवरऑल ये भी आइडिया दिया कि किन सिचुएशंस में आपको बाइक जो है उसमें स्विच नहीं करनी है और समथिंग लाइक आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि टॉलिंग टॉल नेचर है इसका। बाकी स्पीड ठीक चल रही है, बाइक का स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। बाइक 1,50,000 की एक शोरूम प्राइस है, उसके अनुसार ये बाइक और थोड़ी महंगी लगती है। अगर किसी भी जगह पे आप जाके पार्क करते हैं, आपका 6 फीट हाइट है तो आपको चलाने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आपको लगेगा कि यहाँ को किसी ने महंगी बाइक ला के थोड़ी सी लीक से हट के, मतलब थोड़ा सा लिंक से हट के थोड़ा अलग चीज़ कुछ खड़ा किया है वहाँ पे। तो पार्किंग में आपकी बाइक सबसे टॉल, सबसे लंबी, सबसे अच्छी लगने वाली है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिवनेस लगेगा कि हाँ, उस सिचुएशन में आप बाइक को ले सकते हैं। गियर शिफ्टिंग मुझे ठीक लगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थर्ड से फाइव तो मतलब पता नहीं चलता है, आसानी से ले जाता है। और जैसे मैं अगर लो गियर की बात करूँ तो लो गियर में कितना आसानी से ये चलती है, तो मैं 5वें गियर पे स्पीड कम करता हूँ, कहाँ से इंजन नॉकिंग साउंड जो है वो शुरू होता है उसको हम जज करने का कोशिश करेंगे। आ जा, अभी तक नहीं है, 34 पे नहीं है 5वें गियर पे, 30 पे भी नहीं है, और थोड़ा नीचे चलते हैं, 28 तक नहीं है, वाव, और देखते हैं थोड़ा सा। अरे हमको छोड़ना ही पड़ेगा लगता है पूरा का पूरा। चलिए हाँ, 25 के बाद जो थोड़ा सा वो खींचने में खींच ले रही है, लेकिन पिस्टन का प्ले जो है वो इसके क्रैंकशाफ्ट को मतलब हार्म करता है, वो नहीं करना चाहिए आपको। 35 के ऊपर जो है वो 5 गियर में, अब 4 गियर वाला सिस्टम में आते हैं। चार गियर में 27-28 के ऊपर ही रहना है आपको, थर्ड गियर। थर्ड गियर में 20 के ऊपर, और एज़ यूजुअल 1-2 गियर जैसा भी आपको चलाना है आप चला सकते हैं। सेकंड गियर में उठाती कैसी है और फर्स्ट गियर में चलती कैसी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे अच्छा लगा जब मैं इसको ट्रैक पे चला रहा था, तब जैसे मैंने अभी फर्स्ट गियर पे कर दिया। अब क्या मुझे एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत है? नहीं, जो बाकी बाइक्स जो है एज़ इसी की ग्लैमर ही है जो ऑटो सेल नाम से देती है, तो ये ऐसे चल देती है। तो इसको सेकंड गियर पे करके देखते हैं। अपने आप जो है वो ट्रैफिक में अगर आप एक्सीलेटर नहीं भी लेते हैं तो बाइक जो है वो 10 के स्पीड में ऑटो सेल वाला जो फीचर होता है तो वो आपको एक्सचेंज के अंदर मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। थर्ड गियर में करके देखते हैं, थर्ड गियर में भी अपने मन से चलती है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर यहाँ पर जानबूझ के ले के कर रहा हूँ काम, ये थर्ड गियर में ही चली गई है, 15 के स्पीड में चल रही है। अभी भी मुझे एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं, जबकि हल्का सा इंक्लाइन है, हल्का सा इंक्लाइन ऊपर की ओर है। एक बार और फोर्थ गियर, ये ज़्यादा हो गया, फिर भी देखते हैं थोड़ा सा इंक्लाइन है। ऐसे तो सही नहीं है, मतलब थर्ड गियर तक ठीक है, लेकिन फोर्थ गियर पे भी बाइक इतना इसका RPM मेंटेन्ड है, पावरफुल है, 17.35 न्यूटन मीटर का जो पंच है टॉर्क का वो इसको बंद नहीं होने दे रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस बाइक के इंजन को भी किस तरह से ट्यून किया गया है, इंजन में क्या क्या काम किए गए हैं। तो होपफुली आपको कंप्लीट रिव्यू समझ में आ गया होगा मेरी तरफ से इस रैली और प्रो जो एक्सपल्स 4V Pro का। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, क्या क्या आपको और जानना है एक बाइक के रिव्यू में कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने भी चलाया इस बाइक को तो आपको कैसा लगा, तो ये सारी जानकारी आप भी मुझे दें अपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।